दोस्तों पूरे दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए ये आपको पहले बता दूं, आपको पूरे दिन में करीब 2 लीटर से ज्यादा पानी जरूर पी लेना चाहिए। गर्मी के दिन में इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठंड के दिन में थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो चलिए एक बार ये सोचते हैं कि ये पानी क्या क्या काम करता है। पहला तो हमारे बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करता है, पूरे इंटरनल ऑर्गन को फ्लश आउट करता है। तो ये दोनों काम और हाइड्रेशन, जो कि हर चीज को आपको मालूम है हमारे बॉडी का इतना पार्ट 90% के ज्यादा पार्ट में पानी चाहिए, तो सब जगह पानी होना चाहिए। तो चलिए पहला पानी कब पीना चाहिए, सुबह नींद से उठ के पहला 1 गिलास पानी आप पी लीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल देंगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटेशियम सब मिल जाएगा। दूसरा, आपको जरूर पानी पीना चाहिए आपको मील के आधे घंटे पहले। ये माना जाता है खाना खाने से थोड़े देर पहले पानी पिएंगे तो वो बहुत काम का होता है और वो पानी हमारे डाइजेस्टिव जूस बनाने में मदद करता है। अच्छा, पानी खाने खाने के बाद भी 1 घंटा बाद ही पीना चाहिए, वो मोस्ट आइडियल होता है। ऐसे लोग बहुत पीते हैं खाना खाने के बाद, पर यूजुअली हम लोग बोलते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद पिएंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वक्त हमारे बॉडी को डाइजेशन करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए था। करीब करीब 2-3 ग्लास आपने ऑलरेडी पी लिया मान लेते हैं, सुबह उठ के ही 1-2 ग्लास पी लिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट में पिया, फिर लंच के आधा घंटा पहले पिया, लंच के 1 घंटे बाद पिया। आप कभी भी नहाने जाते हैं उस वक्त भी 1 गिलास पानी पी सकते हैं या 1/2 गिलास पानी पी सकते हैं, उससे आपका उस वक्त नहाते वक्त जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है उसको कंट्रोल रखता है। सोने से पहले आप जरूर पानी पीजिए, रात भर आप पानी नहीं पिएंगे उसको मेकअप करके रखेगा। और कब कब पानी पी सकते हैं, जब भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना हो तब आपको जरूर पीना चाहिए, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करके आए तब आपको जरूर पानी पीना चाहिए। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा पानी का जरूरत होता है और उस वक्त अगर आप पानी पिएंगे तो अच्छा रहेगा, वो हमारे बॉडी को कूल भी करता है। बिफोर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप बहुत सारा पानी पी सकते हैं, बिकॉज उस वक्त आपका पानी का लॉस होगा। करीब 200 से 300 ml वाटर हर 10-15 मिनट एक्सरसाइज के बाद आपको पी लेना चाहिए। जब भी आप बीमार पड़े तब भी पानी का बहुत जरूरी है। सिर्फ एक लोगों को पानी का कम करने बोलते हैं हम लोग, जो हार्ट अटैक होने के बाद जिनकी पंपिंग कम हो गई है उनको हम लोग पानी कम पीने बोलते हैं, और जिसको पैर में स्वेलिंग है उनको पानी कम पीने मिलते हैं। अदरवाइज आप पानी खूब पीजिए। अगर आपका किडनी वगैरह काम कर रहा है तो आपको बहुत सारा पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 8 ग्लास तो मिनिमम पानी पीना चाहिए। तो एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दे दूं कब कब पी सकते हैं। पहला ग्लास आप पियेंगे जब आप सुबह नींद से उठेंगे तब। ये क्यों? क्योंकि पूरा रात भर जो कमी पड़ा है उसको वो मेकअप कर देगा। उसके बाद हो गया 2nd ग्लास आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, यूजुअली हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं तब पी के जाइए। 3rd ग्लास कब पी सकते हैं, 30 मिनट्स बिफोर लंच। 4th ग्लास आप पीजिए लंच के 1 घंटे बाद। उसके बाद जब भी आप नहाते वक्त भी हमने आपको बोला था, चाय जब आप शाम का चाय वगैरह लेते हैं तब भी 1 ग्लास पी सकते हैं, चाय के पहले ही पी लिया कीजिए। और जब भी आपको लगे कि भाई नहीं आप खाना खा लिया है, कुछ ओवर ईटिंग किया, तो ज़रूर 1 गिलास और पानी पीजिए। और 7वां ग्लास आप कभी भी डिनर के पहले और बाद में हमने बोला उस वक्त पीजिए, और रात को सोते वक्त पीजिए। दोस्तों जो बॉडी में सबसे ज़्यादा हमारी चीज़ ज़रूरत है वो है पानी। पानी में कोई कैलोरीज नहीं होता है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, कोई ट्राइग्लिसराइड नहीं होता है। पानी पीने से भूख काफ़ी मिट जाती है, इससे आपका वजन भी कम होता है। तो पानी आप ज़रूर पीजिए, बस पानी में ये देख लीजिए कि कोई गम्स वगैरह ना हो और पानी साफ पानी हो। तो जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा है। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बिमल चाजड़ है, आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। इंडिया भर में और बाहर में हमारे करीब 135 क्लिनिक है जहाँ पे हम हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं, उनको नॉन इन्वेजिव मतलब बिना सर्जरी के हार्ट की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। आप ज़रूर हमारे वेबसाइट में जाइए, मेरे से कंसल्ट करना हो तो आप ज़रूर हमारे वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन बुकिंग करिए। और आजकल मैं देहरादून रहता हूँ, अगर मेरे को पर्सनली मिलना है तो आप ज़रूर देहरादून में आके मेरे से मिल सकते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट इन एडवांस लीजिएगा।